ओके नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। इस समय हम लोग मौजूद हैं इंदौर के लखुआ थाना। दोस्तों, यहाँ लखुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक स्कूल आता है डीसीएम स्कूल में 22 तारीख से एक बच्चा जो है स्कूल जाने के लिए निकला और वापस जो है अपने घर नहीं पहुँचा है। तो उसी संबंध में स्कूल के बच्चे के जो माता पिता हैं उनके द्वारा लखुआ थाने में जो है एक आवेदन दिया FIR करवाई गई थी बच्चों को ढूंढने के लिए। स्कूल प्रबंधन के भी लोग यहाँ मौजूद हैं। आइए हम लोग उनसे पूछते हैं कि किस कारण से बच्चा जो है स्कूल पहुँचा और स्कूल से वापस घर नहीं पहुँचा है। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम व्यवस्थापक है। तो नवले साहब, आप मुझे बताएंगे कि ये पूरा घटनाक्रम क्या रहा है? एक्चुअली बच्चे का एक दूसरे बच्चे ने कंप्लेंट करा था कि वो उसको बुलिंग कर रहा है, वॉशरूम में जाता है तो वॉशरूम में उसको परेशान करता है। तो क्योंकि इसके पेरेंट्स PTM में नहीं आए थे तो उनकी तरफ से भी कॉल आया था कि सर, हम इसके टीचर से मिलना चाह रहे हैं। तो हमने उन्हें बोला था कि आप इस महीने बाद में आखिरी दिन में आ जाइएगा, उस दिन हमारा हाफ डे रहता है, तो आप आके टीचर से भी मिल लेंगे और उसके आर्टिस्टिक्स भी हम सब कुछ दिखा देंगे। बट जब हमारे पास में एक दूसरे बच्चे ने कंप्लेन करी तो हमारी कोऑर्डिनेटर मैम है टीचर्स के ऊपर जो है, उन्होंने इसके पेरेंट को कॉल किया कि सर, एक कंप्लेन की थी तो आप आ जाइए, तो मैं आपको मार्क्स भी दिखा दूंगी और उसकी कंप्लेन भी कर लीजिएगा। फिर इसके पेरेंट्स आए थे, पेरेंट्स के सामने हमने बच्चे को बुलाया, जिस बच्चे की कंप्लेन थी हमने उसको भी बुलाया और उनको आमने सामने सारी चीज़ें हमने उनको शेयर की। उसके बाद में पेरेंट नंबर वगैरह देख के और पेरेंट चले गए। हमारी स्कूल की छुट्टी हुई करीब 2:30 बजे। मेरे पास में करीब 3:30 बजे मेरे पास में फ़ोन आया मेरे टीचर का कि सर, ये बच्चा अभी तक घर नहीं पहुंचा है, स्कूल से निकला था। तो मैंने उनसे पूछा कि मैडम, उसके कोई दोस्तों से कांटेक्ट हुआ? तो बोले उसके साथ में एक और दोस्त था, वो आया था, वो अपने घर तक आया, टर्न हो गया, इसके घर अगली वाली गली में था तो ये वहाँ पर नहीं पहुँचा। तो मैं उसी टाइम मेरे यहाँ से निकला, मेरे यहाँ के ट्रांसपोर्ट इंचार्ज है योगेन व्यास सर, मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया। मैंने उनको बोला कि सबसे पहले उस बच्चे को लेकर आप भी एक बार सर्च करें, उसके अलावा मेरे यहाँ पर इंचार्ज हैं, उनको भी मैंने स्कूल में पहुँचा और मैं भी मेरे घर से स्कूल चले। तो सर, ये बच्चा अभी मिला है या नहीं मिला है? नहीं, अभी बच्चा गुमशुदा है, अभी नहीं मिला। जैसे हम लोगों ने पेरेंट्स से बात की थी तो पेरेंट्स के द्वारा ये कहा गया है कि जब उनको स्कूल में बुलाया गया, स्कूल में बुलाने के बाद में जो बातचीत हुई है, पेरेंट्स घर निकल गए, उसके बाद में बच्चा जब अपनी क्लास में पहुंचा है, बच्चा जब क्लास में पहुंचा है तो बच्चा का जो चेहरा है जो उसके काफ़ी स्वेलिंग थी और रेडनेस थी और बच्चा जो है रो रहा था, ऐसा उसके जो सहपाठी जो है उनकी क्लास के जो उनके द्वारा जो है उनको पेरेंट्स को बताया गया। मेरे यहाँ कहना है सर, मेरे यहाँ DVR मौजूद है, मेरे यहाँ रिकॉर्डिंग है, मेरे यहाँ सारे फुटेज मिल जाएंगे, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सर, पिछले 2 महीने पहले भी समर के समय पे भी एक बंदा जो है 5th फ्लोर से गिर करके आपके यहाँ जो है मर गया था, उसकी डेथ हो गई थी सर। और उसके कुछ दिन पहले आपके स्कूल की एक बस जो है वो नाले में भी गिर गई थी सर, उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि सारी घटनाएं जो सर आपके स्कूल के साथ ही क्यों हो रही है? नहीं नहीं सर, मेरे स्कूल के साथ घटनाएं वाली कोई बात ही नहीं है ना सर। ये सारा जो हुआ है, इसके सारे वीडियोज सर, एक सर सारे वीडियोज और फुटेज मेरे पास में अवेलेबल है, आप चाहे तो मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूँ, है ना। तो ये जो दोनों तीनों इंसिडेंट है सर, ये उस एरिया में इतने स्कूल चल रहे हैं सर, किसी के साथ क्यों हुआ, सिर्फ एक स्कूल के साथ में ऐसा क्यों हुआ? सर, जो मजदूर बिकने का है तो हमारे यहाँ पे जो वर्किंग भी है, स्कूल खत्म होने के बाद में होता है और ये सारी जो घटना हुई वो 2:30 बजे बाद 3 बजे बाद, तो उसका मेरे पास नॉलेज नहीं है। तो सर, ये तो नॉलेज नहीं सर, स्कूल बिल्डिंग इमारत आपका है, आपने बताया मैं व्यवस्थापक हूँ। एक्चुअली कंस्ट्रक्शन पार्ट में हम लोग नहीं है इन्वॉल्व, कंस्ट्रक्शन पार्ट में हम लोग इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं है। मेरा एकेडमिक्स और उसके बाद में जो ट्रांसपोर्ट है, एडमिशन है, ये सारी चीज़ों में मैं निकल। और सर, जो बस जो नाले में गिरी थी सर, उसके लिए क्या बोलना था? बस के लिए तो मैं मानता हूँ कि बस के लिए वो निगलिजेंसी थी, उस ड्राइवर को भी हमने बाहर कर दिया है। एक्चुअली क्या होता है कि मेरी गाड़ियों में GPS और सारी चीज़ें लगी हुई हैं। मान लीजिए अगर मेरा ड्राइवर बच्चे छोड़ के और अगर वो कहीं डाइवर्ट हो जाए तो मैं उसके लिए आप बेनिया जो भी ड्राइवर के अपॉइंटमेंट है, सारे बैच होल्डर है, सभी हैवी लाइन है। सर, एक चीज़ और, जो पेरेंट्स ने सॉरी बच्चे के जो पेरेंट्स ने बताई थी कि आपके जो स्कूल के ऑनर हैं उसको सुधीर कटिया जी, उनके कोई ब्रदर जो है वो प्रशासनिक अधिकारी है, तो सर उनके द्वारा भी क्या प्रशासन के दबाव बनाया जाता है? सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स के द्वारा ये बोला गया है कि उनको कहीं ना कहीं इस बात से जो है वो बताया गया है कि हमारा स्कूल में जो है एक बंदा जो है ऊपर से गिर कर मर गया था और उस समय भी जो है मेरे ब्रदर जो है आपके कटिहार साहब ने बोला है कि मेरे ब्रदर जो है वो प्रशासनिक अधिकारी है, हम लोगों ने वहाँ से जो है करवा, मेरे पास में पेरेंट्स की भी बाइट है, पेरेंट्स यहाँ पे अवेलेबल भी है, तो उनके द्वारा जो है ये बताया गया है कि जो आपके जो स्कूल के ऑनर है उनको जो है इस टाइप से जो है थोड़ा दबाने की कोशिश की गई। सर, इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैनेजमेंट का जो बोलना है उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस टाइप का कुछ भी नहीं है, पर पेरेंट्स के द्वारा हमें ये बताया गया है
कि किस तरह से जो है उन्हें बुलाया गया, उनको बताया गया कि जो स्कूल के जो ऑनर हैं सुधीर कटियार साहब, उनके ब्रदर जो है वो प्रशासनिक अधिकारी हैं और कहीं ना कहीं उनका हस्तक्षेप इस मामले में जो है पड़ता हुआ दिखता है। ओके, ये जो बच्चा है ये उसी बच्चे अनुराग तिवारी की क्लास में है और जो भी घटनाक्रम हुआ है, बच्चे के जब पेरेंट्स उससे मिल करके वापस अपने घर गए, बच्चा अपनी क्लास में आया, उसके बाद में बच्चे द्वारा जो है हम लोग पूछते हैं कि क्या कंडीशन बच्चे की थी। बेटा बताएंगे कि जब पेरेंट्स से मिलने के बाद में अनुराग क्लास में आया, उस समय अनुराग की क्या स्थिति थी? जब अनुराग क्लास में आया था तो वो उसका मुंह पूरा सूजा हुआ था और लाल था उसका मुंह। थोड़ा जोर से बोलिए। जब वो क्लास में आया था तो उसका मुंह सूजा हुआ था और लाल था और वो रो रहा था। जब वो आया तो क्लास में हेड डाउन करके बैठ गया। तो आपने उससे पूछने की कोशिश की कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? हमने उससे पूछा कि ये क्या हुआ, तो बोलता कि मेरे पापा मुझे मारा है, पापा ने मारा, क्योंकि पापा आए नहीं थे, पापा तो रिवाल। और दूसरी चीज़ ये मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके जो स्कूल के जो टीचर हैं, क्या उनके द्वारा कंटिन्यू जो है इस तरह से बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है? हाँ सर, उसको वो टारगेट बनाते थे, मतलब ज़्यादातर उसी के साथ वो उसको परेशान करते थे। तो आपके कोऑर्डिनेटर मैम और कौन उनको उसको जो है टारगेट बना के परेशान करते थे? सर वो भावना में कोऑर्डिनेटर जो मतलब, वो मतलब उसकी छोटी सी कोई भी बात हो उसको बड़ा बना देते। जैसा इस बच्चे ने बताया कि अनुराग जो तिवारी है, बालक जो गया हुआ है, उस बच्चे को जो है स्कूल की कोऑर्डिनेटर जो मैम है भावना मैम के द्वारा जो है काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा था। हर एक छोटी बात को जो है मुद्दा बनाकर टारगेट उस बंदे को किया जाता था, उस बच्चे को किया जाता था, और टारगेट करने के बाद में उस बच्चे को जो है इस तरह से डराया गया, धमकाया गया कि वो बच्चा जो है अपने घर नहीं पहुँचा। ओके, बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो भी हमारे साथ में हैं। आइए हम बच्चों के पेरेंट्स से पूछते हैं कि क्या घटनाक्रम बच्चे के साथ में हुआ है और बच्चा क्यों जो है अचानक से चला गया है। सर आपका नाम बताएंगे? राकेश तिवारी। तिवारी जी आप बताएंगे कि पूरा घटनाक्रम क्या रहा है? हमारा बच्चा जिसे दूसरे स्कूल में पढ़ने जाते थे, 22 तारीख को गुमशुदा हो गया है। बच्चा स्कूल से गुमशुदा हुआ है या घर आके? स्कूल से। सुबह कितने बजे स्कूल के लिए निकला है? स्कूल निकले हैं 8 बजे घर से, 8 बजे घर से निकले हैं और 2:30 बजे स्कूल की छुट्टी और फिर घर में निकले आए। तो इसके लिए आपने स्कूल मैनेजमेंट से बात करी तो उनके द्वारा क्या कहा गया? हमको स्कूल आया था बच्चा स्कूल से, फिर गायब हो गया, घर अभी तक नहीं आया वापस। 22 तारीख को हमने थाने में कंप्लेन कराई थी, अभी तक उसकी जांच चल रही है लेकिन अभी तक कोई पता रहता नहीं है। स्कूल द्वारा पूछा गया तो स्कूल वाले बोले कि मेरे को नहीं पता है कहाँ गया। अच्छा, जैसे आपके द्वारा बताया भी, ये भी बताया गया था और वो जो दूसरा बच्चा है उसके द्वारा भी बताया गया है कि स्कूल मैनेजमेंट द्वारा जो है बच्चे अनुराग तिवारी को काफ़ी परेशान किया जा रहा था, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। सर इसके बारे में आपको कोई जानकारी थी या नहीं? जी, उनको एक जानकारी 2 हफ्ते पहले मिली थी कि बच्चा स्कूल में पढ़ रहा था, उसी टाइम वो लंच टिफिन निकाल के अपना थोड़ा सा लंच कर लिया था, तो किसी सर ने तब भी मारे थे उसको। वो आके घर में फिर पूरी बात बताया है कि बच्चा मतलब कि मैंने थोड़ा सा लंच कर लिया था तो सर ने उनको मारे हैं और उसको इस बार भी रो रहा था, कुछ बच्चे बता रहे हैं। तो ये जो इसके लिए आपने जब खाना खाया और टीचर ने जब उसको मारा, इसके लिए आपने स्कूल में जाकर के कंप्लेंट की थी या नहीं की थी? हमने स्कूल में जाकर कंप्लेंट नहीं की थी, मेरा भैया यहाँ रहते हैं तो भैया को पूरी बात बताई गई थी, तो भैया ने भी सोचा कि हो गया क्या गलती किया होगा तो ऐसे मार दिए होंगे। फिर इस बार फिर यही चीज़ हुआ, इस बार तो गायब हो गया, पता ही नहीं चला कहाँ गया। आपका नाम बताइए? मेरा नाम पिंकू तिवारी है। और ये जो बच्चा गायब हुआ इसका नाम? इसका नाम अनुराग तिवारी है। बच्चे की उम्र लगभग? 14 साल। ओके, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। इस समय हम लोग मौजूद हैं इंदौर के लसुआ थाना। दोस्तों, यहाँ लसुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक स्कूल आता है।